एबीसीडी पर, मतलब एक किसी कक्षा में चार मित्र है जिसमें एबीसीडी पर बैठे हुए हैं, जिसका दर्श एक फिगर में दिया गया है। इसमें एबीसीडी दिया गया है, इसमें हमको ये निकालना है सभी का दूरी मान निकालना है। जैसे हम देखते हैं एक से लेके 10 तक एक लाइन खींच दिए, ये हो गया एक्स एक्स हो गया वन, क्या लिखा वाई एक्स में एक से 10 तक लिख दिया। अब देखना है कि थ्री और फोर, थ्री और थ्री जो है एक्स एक्स पर है, फोर क्या है वाई एक्स पर, ये हो गया मेरा ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया थ्री फोर। अब बी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए बी का वैल्यू कितना है, ये जो है सिक्स पर है और वाई कितना है सेवन पर है, बी का वैल्यू हो गया। डी का वैल्यू जो निकालेंगे तो एक्स का मान लेंगे कितना सिक्स ले लेंगे, वाई का मान कितना लेंगे एक लेंगे, और डी का वैल्यू जो ले लेंगे, सी का वैल्यू जो ले लेंगे, ये एक्स का वैल्यू नौ हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब इसी दोनों के बीच में हम दूरी सूत्र निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए बी, तो ए बी का दूरी सूत्र निकालते हैं, तो लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है, ए बी का दूरी सूत्र जो निकालेंगे, जैसे लेते हैं ए लेते हैं बी लेते हैं, इसको ले लेंगे थ्री फोर, इसको ले लेंगे कितना सिक्स लेंगे सेवन ले लेंगे, ये मेरा हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा वाई टू। अब इसका हम दूरी सूत्र, दोनों का बीच का दूरी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस में होता है वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक्स वन का मान कितना दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, एक्स टू का मान कितना दिया है सिक्स दिया है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। वाई वन का मान कितना दिया है फोर दिया है, वाई टू का मान कितना दिया है सेवन दिया है, सेवन का होल स्क्वायर इसको हम लिख देंगे कितना, थ्री में से सिक्स जाएगा तो कितना होगा थ्री का होल स्क्वायर, फोर में से सेवन जाएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो इसका कितना होगा थ्री का होल स्क्वायर होगा, तीन दिया नौ होगा प्लस में हो जाएगा, इसका भी नौ हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा एटीन हो जाएगा, इसका वर्गमूल जो लेंगे कितना हो जाएगा, वर्गमूल जो ज्ञात कीजिएगा इसका हो जाएगा थ्री रूट टू हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी और सी का वर्ग निकालते हैं, किसका निकालेंगे बी और सी का, दूरी सूत्र निकालते हैं। तो बी और सी का, तो बी का वैल्यू कितना है सिक्स और सेवन है, उसके बाद सी का वैल्यू जो है नाइन है और फोर है, तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन का मान ये हो गया, वाई वन का मान ये हो गया, एक्स टू का मान ये, वाई टू का, दोनों का बीच का दूरी जो निकालेंगे, दोनों का बीच का दूरी, तो सबसे पहले लाइन हम खींच लेते हैं बी और सी का लाइन, ये हो गया मेरा बी का हो गया, ये सी का हो गया, बी का मान हो गया कितना सिक्स हो गया, सेवन हो गया, डी का मान हो गया नाइन हो गया, फोर हो गया, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया वाई टू, इसका दूरी निकालना है। इसको हम क्या सकते हैं, एक्स वन का वैल्यू कितना है सिक्स है, एक्स टू का वैल्यू कितना है नाइन का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे सेवन माइनस फोर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इसको सिक्स में से नाइन जाएगा थ्री का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक से थ्री का लिखेंगे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए थ्री का होल स्क्वायर कितना नाइन होगा, तो इसका नाइन होता है, नाइन का कितना लिखेंगे एटीन लिख देंगे। अब जैसे इसका वर्ग निकालना है तो वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग को हम ऐसे लिख देंगे, इसका नाइन, इसका हो जाएगा थ्री, थ्री थ्री का जोड़ेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे थ्री, और इसका जो है टू का जो रूट में लिख देंगे, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हम ए बी का निकाल दिए, बी सी का अब निकालते हैं, सी डी का दूरी सूत्र क्या निकालते हैं, सी डी का दूरी सूत्र निकालते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है नाइन फोर दिया है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सिक्स और वन दिया हुआ है, तो दोनों का क्या निकालते हैं बीच का दूरी निकालते हैं, ये मेरा हो गया एक्स वन, ये वाई वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये वाई टू हो गया, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर होता है वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होता है। अब इसका मान निकालते, देखिए एक्स वन का मान कितना दिया हुआ है नाइन दिया हुआ है, तो नाइन बैठाएंगे, मैं एक्स टू का मान कितना दिया है सिक्स, तो सिक्स का होल स्क्वायर बैठा देंगे, कोस्ट वाई वन का मान कितना दिया फोर दिया है, वाई टू का वैल्यू कितना दिया है वन का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं नाइन में से सिक्स या थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर में से ये होगा थ्री का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं थ्री का होल स्क्वायर कितना हो नाइन होगा, और नाइन हो गया, इसको दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा एटीन, एटीन का वर्गमूल देखे थ्री रूट टू है, इसका भी लिख देंगे थ्री रूट टू, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम निकालना है डी और ए का त्रिभुज निकाल देते, क्या लिख सकते हैं डी और ए का, तो लिख सकते हैं ए डी और ए का, क्या लिखेंगे डी और, या ए और डी का निकालिए, ए और डी का, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है थ्री फोर, और डी का वैल्यू ले लेंगे सिक्स और वन ले लेंगे, इसका दूरी निकालेंगे एक्स वन हो गया वाई वन हो गया, ये हो गया एक्स टू और वाई टू हो गया, इसका दूरी सूत्र निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो इसमें हम देख सकते हैं एक्स वन का मान कितना है, इसमें थ्री है, वाई एक्स टू का मान कितना है सिक्स का होल स्क्वायर, और वाई वन का मान हो जाएगा कितना, ये फोर है, ये वाई वन है, ठीक है, y1 है, अभी y2 का मान कितना है एक का होल स्क्वायर,
इसको लिख सकते हैं, थ्री में से सिक्स जाएगा तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं नाइन, इसको भी लिख सकते हैं नाइन, ये हो जाएगा 18, 18 का वर्गमूल होगा 3√2। यानी इस प्रकार देखते हैं, यानी कि ए का वैल्यू 3√4 है, बी का वैल्यू कितना है 6√7 है, डी का वैल्यू 6√1 है, और 9 का वैल्यू 9√4 है। यानी इसका दूरी निकाल, डी और या ए और डी का दूरी निकाले, तो सबका दूरी अगर बराबर हो जाता है तो यह हम जानते हैं यह क्या हो गया, एक प्रकार का वर्ग हो गया। यानी ए बी सी डी सभी का भुजा बराबर होगा, तो ए बी सी डी यह ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ये आपको सिद्ध हो गया। हाँ, अब जो हम आप लोगों को सवाल बताने, क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, जो जैसे हम 5 क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार से इसमें उसमें वर्ग सिद्ध करना था, इसमें हमको चतुर्भुज सिद्ध करना है। अगर चतुर्भुज होगा तो लिख देंगे, और उसी प्रकार से हम डिस्टेंस में इसमें 4 को दीर्घ सूत्र निकालना रहेगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, अब हम क्या करते हैं, इस छठा सवाल में जो दिया है ए बी बी सी सी डी दिया हो ना, तो चारों भुजा का हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, -1 और -2 दिया है, बी का वैल्यू दिया है 1.0 दिया है, सी का वैल्यू दिया हुआ है -1.2 दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है -3 और 0 दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है। अब हम इसका दूरी निकालते हैं, तो ए बी का दूरी निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं ए बी का दूरी, तो ए का मान दे लेते हैं -1 और -2, बी का मान ले लेते हैं कितना 1 ले लेते हैं, बी का मान जो ले लेते हैं 1.0 ले लेते हैं, तो ये मेरा हो गया x1 का मान, y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, y2 का मान, इसका दोनों का क्या निकालते हैं, दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं दूरी का सूत्र जो होता है, तो दूरी का सूत्र होता है क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x1 का मान कितना है -1 है, फार्मूला में माइनस x2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, y1 का मान जो होगा -2 लेंगे, y2 का मान कितना लेंगे 0 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 इसका होल स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 8 का वर्गमूल, क्या होता है जैसे 8 लिखते हैं तो इसका वर्ग निकालना है, तो इसको निकाल दो 2 चौका 8, 2 दूना 4, जिसका जो रंग पूर्गा उसको बाहर निकाल देंगे, तो यानी इसका 2√2 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं बी सी का दूरी, बी और सी का दूरी, ये बी ले लेते हैं, सी लेते हैं, बी का वैल्यू कितना है 1 है 0 है, सी का वैल्यू कितना है -1 है 2 है, ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, इस दोनों का दूरी निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो देखते हैं इसका दूरी क्या हो जाता है, तो दूरी होता है फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं, देखिए x1 का मान कितना है, x1 माइनस x2 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर, y1 का मान लिखेंगे 0, y2 का मान लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कीजिएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा कितना 8 होगा, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ये ए बी का दूरी सूत्र निकल गया, बी सी का अब निकाल रहे हैं सी डी का दूरी सूत्र, तो सी डी ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो सी का वैल्यू कितना है -1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, डी का वैल्यू कितना है 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 0 ले लेंगे, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जैसे इसको निकाले उसी टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, दोनों का दूरी निकालना है, तो हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x1 का मान कितना है -1 है, x2 का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं -1 का माइनस माइनस कितना होगा प्लस का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 में से 0 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 4, इसको भी लिखेंगे 4, तो 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√8 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2√2 होगा। यानी सब सेम सवाल जा रहा है। अब हम निकालते हैं लास्ट में ए और डी का दूरी सूत्र, तो ए और डी का दूरी सूत्र निकालते तो ए का वैल्यू ले लेते हैं -1
और लिखते हैं माइनस टू, और डी का वैल्यू जो ले लेते हैं ये, अब हम ए अब क्या निकालते हैं, ए और डी का दूरी सूत्र, तो ए का डी का मान हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, इसका लेंगे माइनस जीरो। अब हम इसका क्या निकालते हैं, दूरी निकाल देते हैं, तब एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस में वाई वन माइनस वाई टू का, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स वन का वैल्यू माइनस एक है, एक्स टू का वैल्यू कितना है माइनस में तीन का होल स्क्वायर, वाई वन का मान कितना है माइनस टू, वाई वन का मान वाई टू का मान जीरो है, वाई वन माइनस वाई टू, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस होगा थ्री का होल स्क्वायर, और टू में से जीरो हो जाएगा तो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कितना, टू का होल स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे माइनस टू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसका भी चार होगा, इसका चार कितना हो जाएगा, इसका एड कर देंगे आठ, आठ का वर्गमूल टू हो जाएगा। यानी ये जो हो गया आपको, यह एक प्रकार का वर्ग हो गया, क्या, क्योंकि सभी सभी का भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यह मेरा एक वर्ग है, तो ए बी सी डी यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग हो गया, वर्ग है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दो और क्वेश्चन नंबर तीन जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा दो नंबर में, थ्री दिया है, फाइव दिया है, और थ्री दिया है, वन दिया है, जीरो दिया है, थ्री दिया है, और उसके बाद माइनस वन दिया है, माइनस फोर। इसी टाइप से पहले ए बी का निकाल लीजिएगा, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर लास्ट में डी ए का। इसमें तीन नंबर क्वेश्चन दिया है, फोर दिया है, फाइव दिया है, उसका सेवन दिया है, सिक्स दिया है, और फोर दिया है, थ्री दिया है, और वन दिया है, टू दिया है। यानी इसी प्रकार यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेवन बता रहे हैं, जैसे क्या लिखा है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो टू फाइव और टू नाइन से समदूरस्थ होता है। तो नंबर सात बताना है, सेवन पॉइंट वन क्या लिखा है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो टू फाइव और टू नाइन से